नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वर्धा में बाल एकता गणेश मंडल समाज को दे रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश। मुस्लिम समुदाय का एक युवक करता है गणेश जी की स्थापना। मुंबई नगर निगम चुनाव पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी प्रतिक्रिया। मुंबई महानगर पालिका पर लहराएगा बीजेपी शिवसेना का भगवा। और नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मिला एक्सीलेंस मेट्रो प्रोजेक्ट अवार्ड। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में दिया गया अवार्ड। अब खबरें विस्तार से। वर्धा के तलेगांव श्यामजी पंत का बाल एकता गणेश मंडल समाज को हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रहा है। पिछले 15 सालों से यहां मुस्लिम समुदाय का एक युवक गणपति स्थापित कर रहा है। इस युवक का नाम कलाम शाह है। ये युवक ऑटो चालक है और 10 दिन तक गणपति के मंडप में रहकर गणराय की सेवा करता है। आष्टी तालुका के तलेगांव गांव में एक मुस्लिम युवक की पहल पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के सदस्य एक साथ आते हैं और गणेश उत्सव मनाने के लिए एक सार्वजनिक गणपति की स्थापना करते हैं। वर्ष 2007 में मुस्लिम युवक कलाम शाह ने पहल की और अपने हिंदू दोस्तों के साथ मिलकर एकता बाल गणेश मंडल की स्थापना की और एक सार्वजनिक गणपति की स्थापना की। कलाम शाह खुद इस गणेश मंडल के अध्यक्ष है और वह 10 दिन बड़े उत्साह के साथ गणपति आरती और इतर धार्मिक कार्यक्रमों में सहभाग लेते हैं। मागील 15 वर्षापासून मी इथे गणपतीची स्थापना करत आहोत। गणपती स्थापनेपासून तो विसर्जनपर्यंत हे सगळं माझ्या हस्तेच पार पडते आणि माझ्या म्हणण्याचा उद्देश हेच आहे का देशामध्ये बांधिलकी अशीच राहावी, हीच माझी विनंती। रविवार को भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था, जिसके लिए बुके ऊपर नजर रखने के लिए और कोई गड़बड़ दिखाई देने पर उन पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने आदेश दिए थे। उन्हें गुप्त जानकारी मिली थी कि क्रिकेट बुकी सक्रिय हो गए हैं, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 की टीम ने जाँच मुहिम आरम्भ की थी। इस जाँच के दौरान शहर के आम्बेडकर गार्डन के पास टीम को एक व्यक्ति अपने मोबाइल पर कुछ संदेहजनक हरकत करते हुए दिखा। उसे पकड़कर उसकी जांच की गई, तब उसने क्रिकेट के ऊपर सट्टा लगाना और आर्थिक फायदे के लिए लोगों से पैसे लेना और जुआ खेलने की बात स्वीकार की है। उस प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर उस पर कलमना थाने में शिकायत दर्ज कर उचित कार्रवाई की है। पुलिस जांच कर रही है। काल भारत पाकिस्तान की मैच होती, त्या मैच अनुषंगाने माननीय पुलिस आयुक्त सराने आदेश दिले होते कि क्रिकेट बुक्की यांचा पुन्हा काम करत असल्याचे त्यांना माहिती मिळालेली, त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या हद्दीमध्ये सर्व शहरामध्ये शोध मोहीम राबवली होती। आमचे पथक तयार करून आमच्या API मोरे यांचा पथक हे गस्त करताना त्यांना आंबेडकर गार्डनजवळ एक माणूस आपल्या फोनमधून काहीतरी खाईवडी करताना दिसला, त्यामुळे त्यांना संशयितरित्या पकडून त्याच्याकडे चेकिंग केली असता ते सट्टा लावायचं आणि लोकांचे पैसे स्वीकारून स्वतःचा फायदा करण्याकरता आर्थिक फायदा करण्याकरता जुगार खेळत असल्याचं दिसून आलं। त्याप्रमाणे त्याला ताब्यात घेतलं आणि त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करून कळमना पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करून त्यास त्या गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली आहे। त्याची माहिती घेतली असता आता जे क्रिकेट बुकी आहेत किंवा जे सट्टा लावतात हे ऑनलाईन पद्धतीने लोकांचे पैसे त्यामध्ये गुंतवणूक करत आहेत किंवा त्यामधून स्वीकारत आहेत असं दिसून आलं। त्यामध्ये एक विशाल तन्ना नावाचा पाहिजे आरोपी आहे, त्याची ती ID होती आणि त्या ID वर ह्या जो आरोपी आहे हितेश हिमांशू चेलानी ह्या ते पैसे स्वीकारत होता लोकांकडून। आता पुढील तपास चालू आहे, पाहिजे आरोपीचा शोध घेणं सुरू आहे। तर एक नागरिकांना विनंती आहे की आपण अशा ज्या क्रिकेट बुकी किंवा सट्टा लावण्याच्या जे लोक मॅचच्या आणि प्रयत्न करतात आपण यामध्ये बळी पडू नये आणि हा कायद्याने हा जो असे जे कोण करत असतील त्यांची माहिती आम्हाला पुरवावी असे मी सर्वांना विनंती करतो।
दिनों पूर्व शहर के डिप्टी सिग्नल परिसर में सेंधमारी करके चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें सोने चांदी के जेवर के साथ कुल 60,000 रुपयों का माल चोरी किया गया था। पुलिस ने इस चोरी को अंजाम देने वाले चोर और उसके साथी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। शहर के डिप्टी सिग्नल में रहने वाली श्रीमती लता पन्नालाल शाहू बाहर गांव गई थी और उनके घर पर लॉक था। 1 सितंबर को उनके घर का दरवाजा तोड़कर उनके घर से सोना चांदी के जेवर के साथ कुल 60,000 रुपयों का माल चोरी किया गया। वह 2 सितंबर को जब गांव से वापस लौटी तब उन्हें इस चोरी का पता चला। पता चलते ही उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज किए जाने के बाद डीबी पथक के पीआई सावंत की टीम ने अज्ञात आरोपी की तलाश आरंभ की। इस जांच में उन्हें पता चला कि डिप्टी सिग्नल में ही रहने वाला 19 वर्षीय मनीष देहरे और उसका साथी 19 वर्षीय राकेश उर्फ सागर भगत निर्मलकर, इन दोनों ने मिलकर इस सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 1 तारखेला श्रीमती लता पन्नालाल साहू राहणार गोपाल नगर डिप्टी सिग्नल ह्या त्यांच्या कुटुंबासहित बाहेरगावी गेल्या होत्या। घराला लॉक होतं, तर घराला लॉक असतानाच त्यांच्या घरी डिप्टी सिग्नलला चोरी झाली। घराचा दरवाजा तोडून, लॉक तोडून आणि घरामधून सोन्या चांदीचे दागिने असा 60,500 रुपयाचा मुद्देमाल चोरीला गेला। त्या जेव्हा गावावरून परत आल्या तेव्हा 2 तारखेला पोलीस स्टेशनला याबद्दल रिसर गुन्हा नोंद झाला। गुन्हा नोंद झाल्यानंतर पोलीस डीबी पथकाचे एपीआय सावंत व त्यांच्या टीमने या गुन्ह्याचा शोध सुरू केला आरोपींचा। तर त्यांना असं माहिती पडलं की डिप्टी सिग्नल येथेच राहणारे मनीष सुरेश डेहरे व 19 वर्ष व त्याचा साथीदार राकेश उर्फ सागर भगत निर्मलकर व 19 वर्ष या दोघांनी ही घरफोडी केल्याची त्यांना माहिती प्राप्त झाली। त्यावरून त्यांनी दोघांनाही ताब्यात घेतलं। त्या गुन्ह्यामध्ये त्यांना विचारपूस केली तर त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली। त्यावरून त्या दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आणि तपासादरम्यान दोन्ही आरोपीकडून चोरी झालेला सर्व मुद्देमाल रिकवर करण्यात आला आहे। यामध्ये सर्व मुद्देमाल रिकवर करण्यात आला आहे आणि सध्या तरी हे दोनच आरोपी आपल्याला निष्पन्न झालेले आहेत। तर शक्यता कमी आहे तरी आपला त्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहे, तपास सुरू आहे। मुंबई नगर निगम चुनाव के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और ओरिजिनल शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का भगवा ये निश्चित रूप से मुंबई महानगर पालिका पर लहराएगा, ऐसा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस वक्त व्यक्त किया है। ये बिल्कुल साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और ओरिजिनल शिवसेना यानी शिंदे जी की शिवसेना हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का परचम हमारा भगवा ये निश्चित रूप से मुंबई महानगर पालिका पे लहराए। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना। और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। फिर से स्वागत है। शहर के जरीपटका थाना अंतर्गत 43 वर्षीय प्रदीप मोतीरामानी इनका अज्ञात आरोपियों ने अपहरण करके 30 लाख की मांग की थी। 3 सितंबर को सुबह श्रीमती ज्योति मोतीरामानी इन्होंने इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी। जरीपटका पुलिस ने 24 घंटों के अंदर प्रदीप का पता लगाकर उनकी जान बचाई और आरोपियों को ढूंढने में सफलता प्राप्त की है। 3 सितंबर को जरीपटका पुलिस स्टेशन अंतर्गत सुबह श्रीमती ज्योति मोतीरामानी इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। उनके पति 43 वर्षीय प्रदीप मोतीरामानी इनका अज्ञात आरोपियों ने अपहरण किया और 30 लाख रुपयों की मांग की। यह शिकायत दर्ज किए जाने के बाद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इनके मार्गदर्शन में जरीपटका पुलिस स्टेशन के अधिकारी व कर्मचारियों ने एकत्रित काम करके 24 घंटे के अंदर प्रदीप मोतीरामानी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया और उनकी जान बचाई। और अपहरण करने वाले आरोपी 43 वर्षीय नोयल उर्फ सोनू उम्रे, 24 वर्षीय यादव उर्फ सूरज धनराज फलके, 39 वर्षीय रीना डोमानिक फ्रांसिस, 36 वर्षीय जय हेडेन रॉड्रिक्स, इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आगे की जाँच की जा रही है। दिनांक 3/9/2022 रोजी सकाळी जरीपटका पोलीस स्टेशन येथे श्रीमती ज्योती मोतीरामानी यांनी तक्रार दिली की त्यांचे पती प्रदीप मोतीरामानी यां वय 43 वर्ष यांना अज्ञात आरोपींनी यांचे अपहरण करून 30 लाख रुपयाची खंडणी मागितलेली आहे। अशी तक्रार प्राप्त होताच माननीय पोलीस आयुक्त श्री अमितेश कुमार सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जरीपटका पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व अंमलदार यांनी एकत्रित काम करून यातील अपहरण झालेले व्यक्ती प्रदीप मोतीरामानी यांची 24 तासाच्या आत सुखरूप सुटका केली आहे। तसेच अपहरण करणारे आरोपी नोयल उर्फ सन्नू हंड्री मरे वय 43 वर्ष, यादव उर्फ सूरज धनराजजी फलके वय 24 वर्ष, रीना डॉमिनिक फ्रांसिस वय 39 वर्ष, जय हेडेन रॉड्रिक्स वय 36 वर्ष यांना जरीपटका पोलिसांनी अटक केली आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास आम्ही स्वतः करत असून गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। यातील आरोपी क्रमांक 4 जॉय हेडन रॉड्रिक्स याचं वय 36 वर्ष आहे। हा ड्रायव्हर म्हणून काम करतो आणि याने चारचाकी गाडी चालवण्यास यातील आरोपी नोयल यास मदत केली असून याचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्याने काल त्यास अटक करण्यात आली आहे। विश्व पत्रकार गणेशोत्सव मंडल की ओर से करीब 70 किसानों को खेतों में दवा का छिड़काव करते समय विषबाधा से किसानों की मौत के संभावित खतरे से बचने के नेक इरादे से छिड़काव सुरक्षा किट का वितरण किया गया। कृषि विभाग के सहयोग से लागू की गई इस पहल का ग्रामीण क्षेत्रों के विकासों ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। साथ ही वर्तमान किसानों ने कहा कि किसान पत्रकार का रिश्ता और मजबूत हुआ है, क्योंकि बोर्ड ने 2 किसानों को आर्थिक लिए मेजबान का पद दिया। कुछ साल पहले यवतमाल जिले में दवा का छिड़काव करते समय विषबाधा से किसानों की मौत का मामला सामने आया था। इस पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसानों को एक ही छत के नीचे संबंधित कीट के बारे में विस्तृत जानकारी करनी चाहिए। किसानों को बताया गया कि फसलों का छिड़काव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तालुका के कृषि अधिकारी SS राजपूत ने उपस्थित किसानों को लंबे समय तक लगातार छिड़काव न करने, छिड़काव करते समय मुंह पर रुमाल बांधने, हवा के विपरीत दिशा में कीटनाशकों का छिड़काव न करने और छिड़काव के बाद हाथ पर धोने जैसे उपायों की जानकारी दी। गणपति बाप्पा विसर्जन होने के बाद से बोर्ड द्वारा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दौड़ प्रतियोगिता, तीरंदाजी, छात्रों को शैक्षिक सामग्री और कपड़ों का वितरण के साथ साथ अन्य गतिविधियां शामिल हैं। यह गणेशोत्सव मंडल किसानों, छात्रों, एथलीटों, गायकों, रोगियों जैसे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए अपनी गतिविधियां चलाता है। यह गणेशोत्सव मंडल किसानों, छात्रों, एथलीटों, गायकों,
रोगियों जैसे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए अपनी गतिविधियां चलाता है। किट वितरण कार्यक्रम के दौरान तालुका कृषि अधिकारी SS राजपूत, आदर्श शिक्षक और पत्रकार मजहर खान, बालाजी अर्बन बैंक के निदेशक यशवंत सुर्वे पाटिल, सरपंच संकेत विठल अडे, शिवसेना शहर प्रमुख राहुल देशपांडे, संजय चोपड़े, डॉक्टर अकेले, सरपंच पुरुषोत्तम कुडवे, पत्रकार लक्ष्मण टेकाले, प्रफुल्ल व्यास, अनिल राठौड़ आदि उपस्थित थे। नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मीडिया क्षेत्र के एक प्रसिद्ध संगठन जियोस्पैटियल वर्ल्ड द्वारा एक्सीलेंस मेट्रो प्रोजेक्ट अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री VK सिंह द्वारा हॉलिडे इन होटल एरोसिटी नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह अवार्ड दिया गया। जियो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 2022 के निर्णायक मंडल ने महामेट्रो को सर्वसम्मानित से यह पुरस्कार देने का फैसला किया। श्री अमित घोष, अपर सचिव केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय राजमार्ग ने निर्णायक मंडल की अध्यक्षता की। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जियो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड्स का हिस्सा है और एक ऐसे संगठन को दिया जाता है जिससे बुनियादी ढांचे के विकास, संपत्ति सर्वेक्षण, परिवहन में आमूलचूल परिवर्तन किया है। यह पुरस्कार उन संगठनों, परियोजनाओं का व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। निर्णायक मंडल ने ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ सभी आम नागरिकों को यात्रा का एक आसान और सुविधाजनक साधन प्रदान करने पर नागपुर मेट्रो परियोजना पर भी ध्यान दिया। महामेट्रो देश का पहला संगठन है जिससे 5DBBIM सिस्टम लागू किया है। 5DBIM डिजिटल परियोजना प्रबंधन की एक आधुनिक अवधारणा है। इसके तहत काम को बहुत ही उपयोगी तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। BIM की मदद से महामेट्रो परियोजना के समय और लागत को नियंत्रित करने में सक्षम हुई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हस्ते महामेट्रो को सबसे बड़े डबल डेकर वायाडक्ट और फ्लाईओवर ब्रिज ऑन वन पिलर के साथ साथ डबल डेकर वायाडक्ट पर सर्वाधिक मेट्रो स्टेशनों निर्माण के लिए एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। सोमवार को जिला खनिज प्रतिष्ठान नागपुर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना अंतर्गत उमरेड में 1,50,00,000 रुपयों का लोकार्पण किया गया। विधायक राजूभाव पारवे ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में प्रतिभा तो है लेकिन उन्हें उचित सुविधाएं नहीं मिल पाती है और इसीलिए क्षेत्र के खिलाड़ियों को अवसर मिलने और देश को अपने क्षेत्र से बनाने के लिए उचित सुविधाएं मिलना जरूरी है। इसलिए उमरेड शहर में वार्ड नंबर 4 बालाजीपुरम लेआउट और रेवतकर लेआउट सिंथेटिक फुटसल ग्राउंड और बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड का भव्य उद्घाटन किया गया। उमरेड शहर में वार्ड नंबर 4 बालाजीपुरम लेआउट और रेवतकर लेआउट सिंथेटिक फुटसल ग्राउंड और बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर श्री विजय बरसे, पूर्व महापौर गंगाधर रेवतकर, पूर्व उपाध्यक्ष सुरेश पोनीकर, मधुकर लांजेवार, पूर्व पार्षद सुरज इटानकर, चिजमलकर, राजेश भिंडे, महेश भुयारकर, विशाल देशमुख, संजय जायसवाल, अध्यक्ष SGN योजना जितेंद्र गिरडकर, बालू इंगोले, पूर्व PS सदस्य संदीप खानोरकर, महेश तावले, युवा कांग्रेस के पदाधिकारी केतन रेवतकर, रितेश राउत, गुणवंत मांडरे, अमित लांडेकर, राकेश नौकर, चेतन पडोले, बालाजी मुंगले, पप्पू बांकर, लोकेश उके, साथ ही संबंधित विभाग अधिकारी और नागरिक उपस्थित। शिक्षक छात्रों के समग्र विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और व्यक्तियों और समाज के विकास में शिक्षकों की भूमिका मूल्यवान होती है। नए प्रयोगों, प्रदर्शनों, नवीन विचारों के माध्यम से शिक्षक छात्रों के जीवन का निर्माण करता है। अपर संभागायुक्त डॉक्टर माधवी खोड़े चौरे ने आज आयोजित कार्यक्रम में कहा कि शिक्षकों को छात्रों की शैक्षिक उन्नति के लिए आधुनिक तकनीक, ज्ञान रचनावाद पद्धति का उपयोग करके सुखद, गुणवत्तापूर्वक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। शिक्षक दिवस के अवसर पर दीक्षा भूमि सामाजिक न्याय विभाग के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सभागार में उत्कृष्ट प्राचार्यों, शिक्षकों और गृहस्थों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वह उस अवसर पर उद्घाटन भाषण के रूप में बोल रही थी। तो VKB न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।